हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग, मॉर्निंग ब्लॉग एक्चुअली। आपके साथ आज मैं अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत है जो वो मेरी होती है 5:30 से 6 बजे के बीच। बहुत ज़्यादा जल्दी मैं नहीं जाग पाती हूँ, जागना चाहूँ तो जाग जाती हूँ, बट मेरा काम आराम से मैनेज हो जाता है इस टाइम में। तो मैं अपने आप को भी थोड़ा सा सोने के लिए टाइम देती हूँ, क्योंकि रात में लेट सोती हूँ, मॉर्निंग में मैं बहुत कम रेस्ट लेती हूँ। इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग होती है 4 बजे या 5 बजे मैं नहीं जागती हूँ। इसका यही रीज़न है कि मुझे सुबह से सोना अच्छा लगता है, और हमें लगता है काफ़ी लोगों को अच्छा लगता होगा। और 6 बजे सफिशियंट टाइम है, यानी 5:30 बजे जाग जाओ। 4 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा सा रहता है, उस टाइम में मेरा अकेले मन नहीं लगता है, इसलिए मैं 5:30-6 बजे के बीच जागती हूँ। उठते ही मैं थोड़ा सा अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल देती हूँ कि हवा पास हो जाए, थोड़ा सा जो गर्मी आ जाती है घर के अंदर, सारे ही गेट दरवाजे खोल कर, और जो रूम है उनको मैं थोड़ी सी लॉन्ड्री वगैरह लगाकर, कपड़े अगर पड़े हैं तो उनको लॉन्ड्री में लगा देती हूँ, और डायरेक्ट आती हूँ किचन में। अपने लिए गर्म पानी किया, और दित्या को भी उसी टाइम में मैं बीच में जगा के आती हूँ। जाग जाए तो ठीक है, वरना 10 मिनट बाद फिर जाऊँगी। तब तक मैं यहाँ पर चॉपिंग वगैरह करके रख देती हूँ। जो हमने अपना पानी बनाया है गर्म पानी, यानी इसमें लेमन और शहद भी डाल सकते हैं, हनी। इसके अलावा मैं पीती हूँ फ्रेश, जो हर्बल लाइफ का है, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा है। अच्छा लगता है मुझे सुबह से पीना, बाकी का उसको साथी के साथ पीती हूँ। अलग से जिस दिन मुझे थोड़ा कम टाइम होता है तो आराम से बालकनी में बैठ के पी लेती हूँ, वरना 8 बजे तक मुझे सारे काम ख़त्म करने होते हैं, स्कूल भेजना होता है दित्या को, तो उस टाइम पे मैं खाना वगैरह सब्जी बना देती हूँ, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। यानी ब्रेकफास्ट तो वो लेट के जाती है, लंच आके करती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टिफिन के लिए बना देती हूँ। यहाँ पर जब तक कुछ आसपास की चीज़ें हो रही होती हैं, आराम से खड़े होके मैं अपनी ड्रिंक है ना इंजॉय करती हूँ। सब्जी वगैरह मैं सबसे पहले बना के रखती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट। नाइट में जो भी बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, उसको उस मॉर्निंग में आप सेट कर दीजिए, तो आपका एरिया वहाँ का खाली हो जाता है। आदित्य थोड़ा ठंडा दूध पीना इस टाइम पे पसंद करती है, गर्मियाँ हैं तो गर्म दूध नहीं पीती है, तो उसके लिए मैं उसको बनाकर और फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तब तक वो जागती है, नहाती धोती है, तब तक दूध भी हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो फिर वो पी लेती है। और एक्चुअली इसे मैं मिक्सी में चला देती हूँ ताकि अच्छे से ये फिट जाए और सेक टाइप का बन जाए, और बस बोतल में फ्रिज में रख दूँगी। तब तक ये ठंडा होगा, तब तक वो जाग के नहा धो के तैयार हो जाएगी। जैसे हमारे होते तो 2 हाथ हैं, बट काम हम 4 हाथों की तरह करते हैं। एक साइड चाय बन रही है, एक सब्जी बन रही है, एक साइड मैंने दूध बना के रख दिया है, और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी यहाँ पर कर लूँगी। तो जो ब्रेकफास्ट सैंडविच मैं बनाने वाली हूँ उसको ही टिफिन में रखूँगी। तब तक मेरी यहाँ पर चाय बन जाएगी, ब्रेकफास्ट बन जाएगा, तो उस टाइम हम दोनों आराम से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आटा लगा के भी मैं सेम टाइम पर रख देती हूँ, ताकि जब मुझे रोटियाँ बनानी हों आराम से, तब तक आटा अच्छे से सेट हो जाए, और रोटियाँ फिर उसके बाद बहुत अच्छी बनती हैं। अगर 10-15 मिनट के लिए आप आटा सेट करके रख देंगे, यानी मार के रख देंगे, गूंथ के रख देंगे, तब आपका आटा ना बहुत अच्छे से लग जाएगा। चाय हम लोग पी लेंगे, और उसके ब्रेकफास्ट में हम ऐसे ही सैंडविच, कभी अप्पे, कभी चीला, मूंग दाल चीला, ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। कभी कभी स्किप भी हो जाता है, जिस दिन मुझे दित्या को नहीं देना होता है, सो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो उसको टिफिन में देना होता है। इससे क्या होता है ना, डबल नहीं पड़ता है करना, और जो बेटी खाती है वही सेम हम लोग खा लेते हैं। अब उसे भी सेम वही ब्रेकफास्ट देते हैं जो हम लोग भी खा पाएँ। सो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा कट करके डाल दी हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट चॉप करके ऐसा है कि वो इस तरह से भी खा लेती है और चॉप करके भी खा लेती है, तो आज मुझे ये वाला इजी जल्दी जल्दी में था ना, तो मैंने छोटे छोटे से पीसेस काट के डाल दी है। सीजनिंग वगैरह डाल दीजिए, सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी अच्छे से खा सकते हैं। चीज़ डाल दी है, इससे भी टेस्ट काफ़ी आता है, अच्छा आता है, और सॉस डाल के इसको कवर करके, और तवे पर ही मैं सिंपल इसको सेक दूँगी।
बच्चे भी इसे आराम से खुश होकर खाते हैं, स्कूल से भी फिनिश करके आ जाते हैं और इसके अलावा घर पे भी देंगे तो आराम से खा लेते हैं। एंड देन दित्या के पापा ने उसको नहला दिया था तो वो नहाई हुई मुझे मिल गई थी, मैं जब तक किचन का काम ख़त्म करके आई तो ये मुझे थी। अब मुझे इसको रेडी करना था और सच बताऊँ ना कि जितना मुझे किचन में टाइम नहीं लगता है उतना मुझे दित्या को तैयार करने में टाइम लग जाता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब आराम से बैठती ही नहीं है। इतने शैतान होते हैं ना बच्चे कि मुझे ऐसा लगता है पूरे दिन इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और स्कूल जाने के समय पर मॉर्निंग में इतना लेज़ी हो जाती है ये कि बार बार मुझे लेटे लेटे उठाना पड़ता है, फिर गिरती है, फिर उठाना पड़ता है। मतलब इसको तैयार होने में इतना आलस आता है कि कुछ अब पूछो ही मत। मुझे बहुत सारा आधा पौन घंटा मुझे इसको तैयार करने में, रेडी करने में लग जाता है। तो ऐसे ही ना थोड़ा सा टाइम बचा बचा के कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके हम एक काम को एक बे में कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो किचन का मैं काम ना मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करके इसको रेडी करने में लग जाती हूँ और इसके बैग वगैरह पैक कर दिया है, रख दिया है और इसके बाद ये जाएगी स्कूल, उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। तो अभी भी 8:10 बाकी हैं, तब तक मैं 10-15 में अपने घर की डस्टिंग नहीं, मैं झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग में बाद में करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह। झाड़ू लग गई थी, इतने में वैन आ गई थी तो मैं इसको बाहर छोड़ कर आऊँगी। तो वहीं से नीचे दूध वाले अंकल भी आ जाते हैं तो उनसे दूध लेके इसको भी इसी टाइम पे चढ़ाना होता है। छोटे छोटे से काम है, बीच बीच में निकल ही आते हैं। किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, खाना मेरा बन गया है, हस्बैंड का भी टिफिन लगाना है। अब बस अभी फ़िलहाल 8 हैं और 8 मेरे घर के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह रह गई है तो यहाँ पर अब मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, मतलब बनाना वगैरह, कोई फ्रूट खा लेती हूँ, देन नहाने जाती हूँ। क्योंकि जब मेरे यहाँ खाया जाता है, कोई बाहर जाता है, उसके बाद जस्ट नहाया नहीं जाता है। तो 10-15 आराम मिनट बैठ के टीवी देख के उसके बाद मैं नहा कर निकलती हूँ, मतलब नहाने जाती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। तो 8:30 तक ना आराम से मेरा नहाना हो जाता है। काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 12-1 तक लगी रहूं, मेरे काम बहुत जल्दी होते हैं। तो इसके बाद थोड़ा स्किन केयर और आप फ्री हूँ। इसके बाद है ना जो मेरा छोटे मोटे काम होते हैं, आरओ का पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, इस तरह से बाल्टी में भर के रख देती हूँ ताकि प्लांट्स वगैरह में इसको यूज़ कर लेती हूँ, डाल देती हूँ शाम के समय में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। तो इससे जो आरओ का वेस्ट पानी है ना वो भी नहीं होता है और पानी को हम रीयूज़ भी कर पाते हैं। सो मेरी तुलसी जी बिल्कुल सूख गई थी जब मैं घर पर गई थी, बट उनके जो ऊपर के सीड्स निकलते हैं उनको वापस डाल देती हूँ ताकि वो फिर से ग्रो कर जाएं। सो जस्ट इतने सारे काम करने के बाद जब मैं रिलैक्स फील करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा खाली बैठना अच्छा लगता है, आराम से खाली बैठी रहती हूँ। एंड देन 11-12 बज जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ और इसके बाद टीवी देखते देखते अपने छोटे मोटे काम जो मेरे पेंडिंग पड़े होते हैं उनको मैं पूरा करती हूँ। सो इस टाइम पे मेरा लंच नहीं हुआ है, 11 अप्रॉक्स बज रहे होंगे, 12 दित्या आती है तो साथ में लंच करती हूँ बैठ के। तब तक सोचा टाइम है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम ले लेती हूँ ना जो बिखरा पड़ा होता है घर में। डस्टिंग वगैरह आज नहीं करनी थी बट आज मैंने सोचा था ना मेरी जो अलमीरा है ना उसके कुछ पार्ट्स मेरे जो है ना अनऑर्गनाइज हो गए हैं तो उनको ऑर्गनाइज करना था। ऐसा होता ही होता है कि कुछ ना कुछ काम निकलते ही आते हैं। वैसे ये पूरी अलमीरा अनऑर्गनाइज नहीं थी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, साफ सुथरी रहती है, बट कुछ पार्ट्स जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 15 में अनऑर्गनाइज हो जाती है। 2 पार्ट्स मेरे ख़राब थे, एक टॉप का पार्ट, एक पैंट्स का पार्ट, तो उनको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, वापस से लगा दिया है। और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र रखते हैं ना तो वैसे भी अलमीरा बहुत दिनों तक चलती है, अच्छे से साफ सुथरी रहती है, बार बार ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप खुले कपड़े रखते हैं ना तो वो मिक्स हो जाते हैं और फिर आपको हर 10 में उसको अच्छे से लगाना ही लगाना पड़ता है। बट इस तरह से आप करेंगे ना, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस टिप्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उनको देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट घरों में रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मुझे अलमीराज मिली हैं तो काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऑलमोस्ट जब से मैंने वीडियो शुरू किया है बनाना तब से
मेरा ये चौथा घर है, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फोर्थ घर है। तो सोच सकते हैं आप कितने तरह के आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं पुरानी वीडियोस से भी। फिलहाल फाइनली अब ये लास्ट ही है जहाँ पर मुझे सिर्फ रहना है, एंड इसके बाद मैं अपने खुद के घर में चली जाऊँगी, तो फिर सिर्फ चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, प्लाजो पैंट्स एक साथ रख दिए हैं और जो भी सामान था, फिलहाल डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। ये वाला सूट मेरा ना ख़राब हो गया, बट चुन्नी इसकी इतनी अच्छी है कि किसी भी सूट पर मैच कर जाती है, तो इसको मैंने रख लिया था। इस तरह से अगर आपके पास ओल्ड सूट की चुन्नी वगैरह बची ना, वो ख़राब नहीं होती है, चुन्नी मेरी कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, तो उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट सूट के साथ यूज़ कर लेती हूँ। देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं, बहुत सुंदर लगती है ये चुन्नी मुझे। एंड दोपहर के 12 बजे दित्या आ जाती है, उसके बाद उसको मैं खाना खिलाती हूँ, होमवर्क कराती हूँ और रेस्ट कराती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट शाम को मेरा फिर से वही रूटीन हो जाता है कि मुझे बाहर जाना होता है, पार्क में दित्या को ले जाना होता है। मौसम इस समय इतना अच्छा चल रहा है, वेदर इतना अच्छा हो रहा है कि अच्छी हवाएँ भी होती हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, तो बाहर का जो आउटिंग है ना, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। डेली मुझे 2 घंटे के लिए बाहर पार्क में जाना है, दित्या को लेके जाना है, ताकि वो भी अपने फ्रेंड सर्कल से मिल सके और इन्जॉय कर सके, अपने स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी एक्टिविटी है वो कर सके। तो यही कुछ चीज़ें मोटिवेट करती हैं अपने मॉर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रूटीन को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, अगर है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।